दिल बेचारा में एक अहम किरदार निभा रही स्वास्तिका मुखर्जी ने एक BTS यानी कि बिहाइंड द सीन वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो सुशांत के साथ डांस कर रही है। इस वीडियो को लेकर स्वास्तिका काफी भावुक हुई। इंस्टाग्राम पर पोस्ट इस वीडियो के साथ लिखा, वो किसी के साथ नाचा और फिर मेरे साथ नाचा, मैं सुशांत को ऐसे ही याद रखना चाहती हूँ। स्वास्तिका ने निर्देशक मुकेश छाबड़ा का इस मोमेंट को कैमरे में कैद करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। फिल्म दिल बेचारा के लीड एक्ट्रेस संजना सांघी ने अपने को स्टार रहे सुशांत सिंह राजपूत को एक बार फिर याद किया है। उन्होंने एक BTS तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में संजना और सुशांत एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। ये फोटो फिल्म के गाने तारे गिन की है। संजना ने फोटो शेयर करते हुए इसका कैप्शन भी शानदार लिखा है, शूटिंग के दौरान सुशांत के साथ मेरे सबसे पसंदीदा बिहाइंड द सीन पलों में से एक। एक्टर अमित साध का कोरोना रिपोर्ट आया नेगेटिव। अभिषेक बच्चन का COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अभिनेता अमित साध ने भी अपना कोविड टेस्ट कराया है। दोनों ने एक साथ ब्रीद इनटू द शैडो में काम किया है। खबरें थी कि अमित साध और अभिषेक ने साथ मिलकर डबिंग की थी, लेकिन इन खबरों पर क्लैरिफिकेशन देते हुए अमित साध ने रिपोर्टेडली बताया कि दोनों की साथ में तस्वीर पैपराजी ने क्लिक जरूर की थी, लेकिन अभिषेक और उन्होंने कभी एक साथ एक टाइम पर रिकॉर्डिंग नहीं की थी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की तबीयत पर आया हेल्थ अपडेट। बच्चन परिवार के घर पर मौजूद सभी स्टाफ कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। 12 जुलाई रविवार को 28 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया, जबकि 26 लोग हाई रिस्क पर थे। सभी 26 लोग कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के मद्देनजर इन सभी 26 लोगों को भी अगले 14 दिनों तक क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से होम क्वारंटीन में है। अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार के COVID-19 पॉजिटिव होने के बाद फिर किया ट्वीट। इसमें अमिताभ बच्चन अपने हाथ जोड़कर लोगों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक ऐश्वर्या आराध्या और मुझे व्यक्त की है, मेरा हृदय पूर्वक आभार। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक पोस्ट के जरिए फैंस का शुक्रिया किया है। सुशांत के फैंस की ओर से जिस तरह से रिएक्शन आया, उसकी उम्मीद शायद उनके परिवार को भी नहीं थी। श्वेता ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में बताया कि इस मुश्किल घड़ी में फैंस की ओर से बड़ा समर्थन मिला है। क्या आलिया भट्ट ने रिजेक्ट की करण जौहर की फिल्म? खबरों के मुताबिक करण के प्रोडक्शन में बनने वाली अरुणिमा सिन्हा की बायोपिक से आलिया भट्ट ने अपना नाम वापस ले लिया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में लॉकडाउन की वजह से हो रही देरी और सोशल मीडिया पर करण को लगातार ट्रोल किए जाने के चलते हुआ है। हालांकि आलिया भट्ट ने ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया है। अरुणिमा सिन्हा एक माउंटेनियर है, जिन्होंने एक पैर न होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर अपना परचम लहराया है। वो अपनी बायोपिक करण जौहर को सौंपने के लिए आलिया के नाम पर ही तैयार हुई थी। कुणाल केमू की फिल्म लूटकेस की रिलीज डेट फाइनल। सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 31 जुलाई को होगा प्रीमियर। कुणाल ने सोशल मीडिया पर इसकी न्यूज को शेयर करते हुए खुशी जाहिर की। हालांकि कुणाल इस बात से खफा हो गए थे कि उन्हें पिछले महीने फिल्म अनाउंसमेंट में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। इसका जिक्र उन्होंने ट्विटर पर किया था। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुशांत की मौत के पीछे पेशेवर साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये पूरा केस खुदकुशी का है। इस अधिकारी का दावा है कि सुशांत डिप्रेशन की दो खतरनाक बीमारियों पैरानोया और बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड थे। लॉकडाउन के पहले वो इन बीमारियों के इलाज के लिए एक हफ्ते तक हिंदुजा अस्पताल में भी भर्ती थे। मशहूर टीवी स्टार करण पटेल ने कंगना रनौत का नाम न लेते हुए उनके खिलाफ नेपोटिज्म को लेकर अपनी बात रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण पटेल ने कंगना का नाम न लेते हुए उनसे पूछा कि
क्यों उनकी बहन रंगोली चंदेल संभालती है बिजनेस, क्यों मणिकर्णिका फिल्म से सोनू सूद को निकाला गया। करण पटेल ने पूछा कि प्रोडक्शन हाउस खोलने के बाद भी जॉब्स की ओपनिंग नहीं खोली, नए लोगों को चांस क्यों नहीं दे रही। वेल, इस पर अब कंगना और रंगोली कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी है।